हेलो गाइस, तो गाइस देख सकते हो पूरे घर की लाइट है और कहीं पे भी लाइट नहीं, पूरा अंधेरा अंधेरा है। इधर की लाइट तो भाई कभी कटती नहीं है भाई, बाकी जगह और की लाइट कट गई है। मैंने कितना भी रेडस्टोन हटाया कुछ नहीं हो रहा, बस एक इस रूम की लाइट और ये ऊपर वाली भी नहीं जल पा रही। यहाँ से तो सब कुछ कटा हुआ है, मतलब तारे वाले सारी काट दिए थे, जोड़ दी थोड़ी ना, तो भाई सारी हमेशा मतलब रात ही हो रखी है, रात कभी दिन नहीं हो रहा है इस वर्ल्ड में। देखो बाबा जी मेरे को लग रहा है कि बाबा जी के घर जाना पड़ेगा, कि पूरे सिटी की मतलब पूरे जंगल में हम दोनों का ही घर है जंगल और बाबा जी के घर इन्वर्टर है। मेरा बैटरी डाउन हो गई और उसको बैटरी चार्ज होने में भाई अब कल तक हो जाएगी चार्ज, तो बहुत टाइम लगता है चार्ज होने में, 24 घंटे में एक बैटरी चार्ज होती है और टोटल वहाँ दो बैटरी तक और वो चलती सेम टाइम तक 48 आवर की चलती है वो दोनों बैटरी, जितनी देर में चार्ज जितना चार्ज होती है उतनी देर चलती है। तो अभी वो चार्ज हो रही है और मैं देख के आऊँगा अभी दो घंटे चार्ज हो गया, मतलब दो घंटे हमारी लाइट हम चला सकते सिंपली। पर यार अभी नहीं चलाना है मेरे को लाइट, क्योंकि भाई लाइट जला दिया तो भाई बहुत दिक्कत भी हो सकती है, वायर में प्रॉब्लम आ चुकी है थोड़ी बहुत। चलो भाई बाबा के पास आ गए और मेरे पास थोड़ी सी लैंटर्न है, कहीं लाइट का कुछ हो गया तो। बाबा जी तो भाई बाबा जी के गेट पर नॉक नॉक कर रहे हैं। बाबा जी बाबा जी घर पे नहीं, बाबा जी इस लैंप का बटन लग रहा है। और भाई देखो बाबा जी का चीज़ है, हम उसमें हाथ नहीं लाएंगे। बाबा जी देखो नीचे चल के देख ही लेते क्या है। बाबा जी सो गए। बाबा जी कौन है तुम, मेरे घर पे क्यों है? बाबा जी मेरे घर की सारी लाइट्स कटी है और आ भी नहीं रहे हो, तुम मेरे सीक्रेट बेस में घुस गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर के भी लाइटें गई, ऊपर आओ ऊपर आओ, मेरे घर के भी सारी लाइटें गई हुई है, बस एक ये लाइट जलती है हमेशा। आपके घर में तो इन्वर्टर है ना? बहुत लाइट है अभी, बहुत देर चल जाएगी बोले तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, आप भी आ जाइए। मेरे पास थोड़ी सी लैंटर्न भी है, अगर बीच में लाइट का इशू हो गया तो हम हाँ अगर बीच में लाइट का इशू हो गया तो फिर लैंटर्न से लाइट जला लेंगे। हाँ तो बाबा जी देखो अब वापस की रात है, हमें वहाँ जाना, आज कहीं पे भी जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी उस आत्मा को मारना है तो हमें उस आत्मा को मारना नामुमकिन है, तुम आ जाओ घर के अंदर, इसलिए मैं सीक्रेट बेस में छुपा हुआ हूं। हमें उस नेदर जाकर उस चेस्ट को खोलना पड़ेगा, तुम्हें अगर छुप रहा है तो मेरे साथ मेरे घर पे आ जाइए, हम दोनों चलते हैं वहां। अरे तुम्हें मेरे सीक्रेट बेस में छुपना है, मेरे पास में बंकर है, तुम जाके वहां पे आराम से छुपो। दिमाग खराब करना, मैं भी आ गया। बाबा जी हमें बात करनी पड़ेगी उसके लिए, बनने आज अमावस की रात है। बाबा जी आज तो अमावस की रात है, तो मैं थोड़ा गेट लॉक कर रहा था, देखो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और इसको तुम ये भी समझ सकते हो कि एक सड़े हुए घर के अंदर ये नीचे एक स्वर्ग है, यहाँ पे तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा, डायमंड को छोड़ के समझे।
उतरो इस पे। बाबा जी हमें पहले उस लूट को लेना पड़ेगा जो वहाँ उस आत्मा ने छुपाई है। अरे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वहाँ पे विजर पार्कोर पूरा करना पड़ेगा। तो नीचे आओ पहले तुम। बाबा जी हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, मैं तो वहाँ जाओ, आप भी आइए अगर आपको आना है तो। मेरे घर की लाइट्स वापस आ गई। मेरे घर में भी आ गई है। नहीं तो मारा तो खराब पे था क्या? कुछ नहीं करें मेरे घर खराब पे था। अरे मेरा घर खराब कैसे हो गया? उस बुरी आत्मा को तुमने मार दिया, मारने की कोशिश की। बाबा मैं तो जा रहा हूँ उस ट्रेजर को लूटने, उस ट्रेजर को लूट। ठीक है तुम हो कहाँ पे पहले मेरे को ये तो बताओ। बाबा जी यहाँ तो ये, बाबा जी ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है इधर कहाँ पे ये? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, उसने इस वर्ल्ड पे भी कब्जा करने की कोशिश की है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इस वर्ल्ड को डिलीट करना होगा। बाबा जी नहीं हम ये नहीं कर सकते वर्ल्ड को डिलीट। वो जगह प्रॉफिट है, यहाँ पे एक नेदर पोर्टल है, हमें उसमें जाना होता है। लेकिन वहाँ से हमें एक नेदर स्टार डिस्ट्रॉय है, मेरे को सब पता है। के काम करने आए हो तुम बस उसकी, उसके लिए यहाँ पे बहुत, वहाँ पे बहुत सारे विदर छोड़े गए हैं जिसके, जो उस विदर नेदर स्टार की प्रोटेक्शन करते हैं। हमें बस वो नेदर स्टार डिस्ट्रॉय देना है जिससे वो आत्मा छोड़ सके। बचाओ भैया मेरे से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बाबा जी अभी बारिश हो रही है तो अभी सबसे अच्छा तरीका है, मतलब टाइम है इस पार्कोर को करने का। वो तो सही है। अरे तुमने मुझे धक्का क्यों दे दिया? अरे बाबा जी गलती से मैं भी आ गया बाबा जी आपके साथ आपकी पार्टी ज्वाइन करने। पिटाई हो रही है हम दोनों की बाबा जी। बाबा जी आप बहुत चिपचिपा लावा है, ये लावा चिपचिपा ही होता। बाबा जी हमें कुछ करके पार्क और पार करना है। बाबा जी आप बस कर ही सकते हो, मेरा मेरा करना आप हमें तो मेरा नहीं, नहीं, नहीं यार ये क्या हो रहा है, मेरे तो मुश्किल है। बाबा मेरे को टेली बच्चे का बच्चा आगे। बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता, नीचे जाओ, नीचे जाओ तुम मरोगे, नीचे जाओ। उसे पार करने का कोई तरीका नहीं, तुम वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाओगे। अगर तुम उसके टॉप पे पहुँच भी गए तो तुम वो खजाना लूटने में कामयाब नहीं हो पाओगे कभी भी। मैंने बिल्कुल पढ़ा था कि हम इस खजाने को तभी लूट सकते हैं जब हमारे पास एफिशिएंसी 3 की पिकैक्स हो। अरे तुम एफिशिएंसी 3 5 10 67 तक ले आओ लेकिन तुम उस खजाने को नहीं लूट पाओगे। हमें ट्राई करना पड़ेगा वरना। अरे उस खजाने को तुम लूट ही नहीं सकते जब हमें लूटना है। तुम मरने के काम कर रहे हो, अगर तुमने पार्कोर के लिए चीटिंग की तो तुम सीधा मर जाओगे, तो चीटिंग करने की कोशिश मत करना। हमें वो खजाना ओपन करना। बाबा मैं तो चीटिंग करूंगा। नहीं ऐसा मत करना, चीटिंग करने के लिए बिल्कुल मत करना। करूंगा हद, वरना तुम मारे जाओगे। मैं नहीं कर रहा चीटिंग, मैंने आपको नहीं बोला था चीटिंग, मैंने गलती से चीटिंग कर ली। मैं तुम्हारी वजह से ना मारूंगा। बाबा जल्दी आओ, मेरी गेम क्रैश हो गई।
आता तो है नहीं। बाबा आप क्रिएटिव मोड में कैसे गए? क्रिएटिव क्या होता है? ये है चाबी तुम्हारे। बाबा आपने तो ट्रेजर तोड़ दिया सारा। नहीं ये ट्रेजर नहीं टूटा, ये डायमंड के ब्लॉक्स तुम ले सकते हो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब आपने फालतू करके इसको तोड़ दिया। अच्छा ठीक है मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये था बाबा जी, ये बहुत मुश्किल होता है। हटो थोड़ा सा साइड हट जाओ बाबा जी, मैं तुम्हारे लिए खजाना लेना आसान कर दूँ थोड़ा सा। बाबा आपने तो पूरा ही तोड़ दिया इसमें तो हम नहीं। बाबा आपने तो अच्छी लाइन लाइन बाबा आपके पास तो डायमंड की पिक है ना। मेरे पास इतना जादू नहीं है। एक आपके पास देखा था आपके चेस्ट में एक हाँ डायमंड की पिक। मेरे पास तो आखिरी रखी है इसमें से एफिशिएंसी 3 फिर से लग गया। बाबा इधर तो बहुत सारी लेयर्स है ना, जल्दी तोड़ो और निकलना है यहाँ से। हमें उस नेदर पोर्टल का भी एक खजाना था। नेदर पोर्टल खोलना है ताकि हम आत्मा को भगा सकें। हमें मैं लालच नहीं कर रहा। नेदर पोर्टल को खोलने के लिए बस खोल लेंगे हम। आप मेरी बात सुनिए, मैं उसको खोलने का ट्राई करूंगा। वहाँ पे मैंने पढ़ा है जिसमें कि वहाँ प्राइम बैक्टीरिया रहता है। मैं चला लेती हूँ, लेना चाहता हूँ। मेरी वर्ल्ड चाहिए बाबा जी, और मेरे को आपसे यही प्रार्थना, आप मेरी वर्ल्ड वापस कर दीजिए। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं उसके लिए लड़ दूंगा। देखो मेरा जादू खत्म हो जाएगा, जल्दी बताओ। तुम्हें पता है कि कहाँ पे है वो खजाना? तो आखिरी बार मैं कुछ कर नहीं सकता। पापा बोले वो खजाना ये मैग्मा की ट्री। नहीं उसके पास मत जाना। नहीं मत जाओ उसके पास, मैं तुम्हारे लिए खजाना लेके आऊंगा। मैग्मा की ट्री श्रापित है, मैं नहीं ला सकता। नहीं ला सकता मैं। पापा आप ला सकते हो। मिल गई चेस्ट। बता मार। बाबा आपने चेस्ट लूटा? हाँ मैंने चेस्ट ले लिया, बस एक मिनट रुक जाओ। जल्दी बाहर आ जाओ। मैं सही में हूँ। किरकार मैंने चेस्ट निकाली। नहीं बाबा ये सामने क्या है? मैं जादू खत्म हो गया बाबा जी। वो ग्लास के शीशे हैं, इतना सारा ग्लास है। इन लोग इस आत्मा के पास आया कहाँ से? इस सामने इतना सारा ग्लास दिख रहा है। आपका जादू खत्म हो गया, हमारा सामान भी मिल गया। तो गाइस अगले एपिसोड में हम खोलेंगे इस नेदर पोर्टल को और देखना है उसमें क्या जादू है। और हम डायमंड का आर्मर बना के मिलेंगे हम दोनों। बाबा जी आप कुछ बोलेंगे? मेरा जादू खत्म हो चुका है। आपका जादू खत्म हो गया, उससे हमें बाबा जी का जादू खत्म हो गया। और